झरिया के पाथरडी थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर एक युवक पर यौन शोषण का मामला सामने आया है। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पाथरडी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक लड़का, हम भी वहाँ काम करते थे चासनाला में। कहाँ पर? चासनाला में, चासनाला पेट्रोल पंप में काम करते थे, दोनों साथ में काम करते थे। तो हमसे शादी कर लिया, वहीं पे काम करते करते हमने शादी किया। उसके बाद अभी इनकार कर रहा है रखने के लिए, बोला नहीं रखेंगे। अच्छा, कहाँ रहता है वो लड़का? कलोशरी में रहता है वो लड़का। क्या नाम है उसका? अमित कुमार। तुम भी पेट्रोल पंप में काम करते थे? काम करते करते हमसे शादी किया, दुकानी मंजिल में शादी किया। अच्छा, झरिया लेकर आपको गिरफ्तारी किया है? जो यौन शोषण का आप आरोप लगा वो गलत है क्या? अब हम क्या बोले, गलत ही है, हमको खुद ही पता नहीं, खुद ही पता नहीं। ये जो है मामला है प्रेम प्रसंग का है, इसमें जो है शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला आया है। इसके तहत जो है थाना पाथरडी थाना में कांड भी दर्ज हुआ है और इसी में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और लड़का को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जहां तक वादिनी का सवाल है कि उन्होंने दावा किया है कि जो अभियुक्त है इनके साथ इनका प्रेम संबंध था और इन लोगों ने दुख हरणी मंदिर झरिया में शादी भी करने की बात बताई जा रही है और लड़की ने पहचान के तौर पर फोटो वगैरह उपलब्ध कराने की बात कही है। इसी संबंध में इसको भेजा जा रहा है जेल।